खरीद के वो मज़ा नहीं आता, तो जब कुछ चीज़ अपने हाथ से बनाओगे ना उसका अलग टेस्ट होता है। सो आई जस्ट ट्राई टू टेल यू टूडे अबाउट ड्रोन्स, बट द बेसिक मोड इज रोबोटिक्स, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीज़ों में आप अपना दिमाग लगाइए। आपके पास ऑलरेडी कल की डेट में आप रोहतक से किसी IIT में सेलेक्ट होते हैं, किसी IIT के थ्रू आप एब्रॉड जाते हैं, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही हैं, इंडिया में भी यूज़ हो रही हैं। इन टेक्नोलॉजीज से आपको मैं थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ और एक एक जिसे कहते हैं दिमाग में स्पार्क जगा सकता हूँ कि ठीक है मैं गूगल सर्च करूँगा इस बारे में, या मैं गूगल सर्च करूँगी। जो आप ये चीज़ें करते हैं उससे ऑब्वियसली आपका ही बेनिफिट रहेगा। बेसिकली टेल यू ऑन द UAV टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजी का स्ट्रेस इकलौता खाली इसलिए है कि कल के डेट में हम किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वहाँ से कोई ये नहीं बोलेगा आपका ड्रोन कितनी देर उड़ता है, वो पूछेगा व्हाट इज द एंड्योरेंस ऑफ योर ड्रोन और व्हाट इज द MTOM। अब MTOM इज मैक्सिमम टेक ऑफ मास। सो ये सब टर्म्स मैं आपको दो मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। मैम व्हाट इज द टेक्निकल टाइम फॉर एवरीबॉडी टू लीव? Up to you. We didn't have school buses. Everything is there. So by 12:30 comfortable? No problem. Okay. So अब इसमें हम लोग आपको टर्मिनोलॉजी सिखाएंगे, उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं क्वाडकॉप्टर। ये बेसिकली ये एक ड्रोन हम लोग हर स्कूल को, अगेन हम लोग एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डोनेटिंग इट, ऐसा नहीं कि मैं डोनेट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का फंड है सारा। तो ये ड्रोन जो है अगर आप देखेंगे इसमें चार प्रोपेलर्स हैं, सो दिस इज कॉल्ड अ क्वाड कॉप्टर। एवरीबडी नोज क्वाड, फोर क्वाड्रिलेटरल। अगर इसमें ये छः हो जाएंगे इट बिकम्स अ हेक्सा कॉप्टर, एट हो जाएंगे इट बिकम्स अ ऑक्टा कॉप्टर। ओके, सो दिस इज अ क्वाड कॉप्टर। ड्रोन बेसिकली जनरल टर्म जो होता है ये, जैसे हमने अपने हाथ से खुद असेंबल किया है, दिस इज़ अ स्लाइटली मोर एडवांस ड्रोन। इसमें इंफ्रारेड कैमराज हैं, इसमें हम लोग जो फ्लाइट कंट्रोलर होता है ये है, इसके अंदर जो फ्लाइट कंट्रोलर होगा वो तकरीबन आप लगाइए 1 इंच बाय 1 इंच का होगा ये कंट्रोलर, इसलिए इसमें हीट सिंक दिया हुआ है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा है, इसमें इंफ्रारेड कैमरा होता है। ये एक कॉमर्शियली वाइबल ड्रोन, जिससे आप मोस्टली जो कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी करनी हो, स्कैनिंग करनी हो, वो सब ऐसे ड्रोन से कर सकते हैं। इसको उड़ाने के लिए एक इस तरह का ट्रांसमीटर आता है जो कि इवन आपके ड्रोन में आपको मिलेगा। दिस ट्रांसमीटर विल बी विद यू। इस ट्रांसमीटर से आप अपना सारे फंक्शन सीख सकते हैं। बिफोर यू फ्लाई अ ड्रोन आई विल रिक्वेस्ट, एक पिका सिम करके एक फ्लाइट सिमुलेटर आता है, PICASIM, पिका सिम। ऐसे और भी आते हैं, काफ़ी ब्रांड्स हैं, दे आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं। आप उसको डाउनलोड कीजिए, यूज इट टू सिमुलेट, आप उसको टीवी स्क्रीन पे भी फ्लैश कर सकते हैं। गेट योर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड देन स्टार्ट यूजिंग अ ड्रोन। इसका मकसद ये है कि आप ड्रोन यूज करो, उड़ाओ, टूटता है कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंड अ मेल टू द नीति आयोग कि हमारा ड्रोन ऐसे ऐसे टूट गया, नेक्स्ट डोनेशन आपके पास फिर आ जाएगी। हम लोग आपको एप्लीकेशन बताएंगे। फिक्स्ड विंग ड्रोन जो होता है, जैसे ये मैंने आपको दिखाया क्वाडकॉप्टर था, फिक्स्ड विंग होता है ग्लाइडर की शेप में, उसमें कोई प्रोपेलर नहीं होता, एक चिड़िया की तरह वो आराम से ऐसे उड़ता रहेगा। दैट्स जो लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन होते हैं, जिनको के बहुत ज़्यादा देर उड़ना होता है, वो नॉर्मली फिक्स्ड विंग ड्रोन्स बनाए जाते हैं। वो ऐसे ऐसे करके ग्लाइड करते रहेंगे। आप लोगों ने यूरी देखी थी, मैम ने बोला था हाउस द जोश यूरी, उसमें जो वो गरुड़ यूज हुआ था, यू सॉ दैट? अगर एक और चीज़ देखो आप उसमें, एक और चीज़ अगर आपने नोट करी हो पिक्चर में, दे शोर्ट एक पर्टिकुलर रेड टेपिज्म के, मतलब वो कहते हैं कि हमें तो ये ड्रोन बनाने के लिए 2 महीने लगेंगे। वो बच्चा जो होता है वो बोलता है नहीं सर 3 दिन में मैं बना सकता हूँ। वो बच्चे आप लोग हो, हमारा मकसद है कि आप लोग ये कहो कि नहीं जी इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, ट्राई करते हैं, हो सकता है हो जाए, नहीं होगा तो कहते ना कि सितारे नहीं पहुँच पाएंगे लेकिन कहीं तो पहुँचोगे, ट्राई करो। सो द पॉइंट इज के वो ड्रोन जो 3 दिन में बना था, मैं एक वर्कशॉप करता हूँ, मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा, हम सुबह 9 बजे स्टार्ट करते हैं, 12 बजे तक बच्चे ड्रोन बनाते हैं, 12:30-1 बजे तक वो उड़ाने लायक हो जाते हैं। एक्चुअली आप वीडियो देखेंगे और वो एक बहुत छोटी सी जगह है बेवान करके, रोहतक से अराउंड गुड़गांव की तरफ है, बहुत छोटा गाँव है। उस स्कूल में हमने एक लड़की को दे के बेटा उड़ा, वो उड़ा पाई थी उस ड्रोन को। आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लेस जिनको कोई प्ले स्टेशन नहीं पता, उनके घर में कोई वीडियो गेम्स नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी लो इनकम ग्रुप एरिया, वहाँ पे वो बच्चियाँ बिल्कुल हिजाब पहन के घूम रही थी, जिनको के